झोड़ नाले गांव के अंदर आप हमारे साथ देख रहे हैं, एक मोटर है जिस पर रस्सा कस्सी करते हुए हमारे को दो भाईजान नज़र आ रहे हैं। आइए इनसे हम रस्सा कस्सी के साथ चुनावी खींचतान की बातें करते हैं। जी चुनाव आ गया है, रस्सा कस्सी मोटर के साथ तो कर रहे हैं, चुनाव में रस्सा कस्सी कैसे चलेगी? चुनाव में भी ऐसे चलेगी। किसके साथ चलेगी? रंजीत सिंह चौटाला मैदान में है, अर्जुन चौटाला मैदान में है। झाड़ू वाले चलेंगे तो झाड़ू चलेगा, झाड़ू चलेगा। यहाँ मैक्स सऊआ वाला है। हाँ जी, मैक्स सऊआ वाला है जो आम आदमी पार्टी का उम्मीदवार है। हैप्पी है, तो दोनों में से किसे पसंद करेंगे? हैप्पी 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 पूरे झोड़ नाली में। हाँ जी हो गई है। हाँ जी आइए इनसे चर्चा करते हैं। ताऊ जी हैं, क्या कहेंगे? आपने बड़ा टाइम देखा है, पुराना जमाने से लेकर नया जमाना आ गया। हम तो कांग्रेस ही पक्के हैं भाई। कांग्रेस ही पक्के हैं? पक्के जमा कट्टर कट्टर जमा। तो कांग्रेस में इस बार कौन सा चेहरा पसंद है आपको? रंजीत सिंह चौटाला कांग्रेस में? कांग्रेस को कोई ईंट भी दर्दी ना कनी उसकी वोट डाल देंगे। कांग्रेस की ईंट भी दर्दी? हाँ बस पक्की नीम पक्की। हाँ तो आप देख रहे थे हमारे साथ इसी चुनावी चर्चा के साथ, और नाई की दुकान है जहाँ हजामत बनाते हुए ताऊ जी हमारे को नज़र आ रहे हैं, हजामत बनवा रहे हैं अपनी, और नाई भाई साहब भी हैं जो कि हजामत बना रहे हैं ताऊ जी की। इसी हजामत के बीच हम अपनी भी चुनावी हजामत करने की कोशिश करते हैं। तो जी क्या कहेंगे ताऊ जी, चुनाव आ गयो सर पर, केला गया था ने? चुनाव आ गया तो बढ़िया गल है, वोटा पावे। रज के पाओगे? रज के पाओ। किनू पाओगे? रंजीत सिंह चौटाला नू या वोटा ही पानी ना पा देंगे? फिर भी कोई मन तो बनाया होगा? मन तो बनाया ही है। हाँ जी मन तो बना रखे है। किनू फिर भी है नहीं दस? अच्छा वो दसना नहीं है। लेकिन फिर सरकार की दी लग रही है भी, केड़ी सरकार बनेगी अत की बार, कांग्रेस भाजपा या इनेलो? कोई कह नहीं सकते जी, अजय कुछ कह नहीं सकती। तो नाई भाई जान है हमारे साथ, इनसे और चर्चा कर लेते हैं। गले के अंदर थोड़ा दर्द है, थोड़ा सा करके दिखाई, गले में थोड़ा इनके दर्द है, बोला नहीं जाता। तो गांव झोड़ नाली और झोड़ नाली के बीच में ताऊ पूरे चटकोरे लगाते हुए, पूरे चुनावी चटकोरों के बीच बातचीत होगी हमारी। पूरा भरा हुआ गांव दिखाई दे रहा है, और यहाँ पापड़ बेचते हुए हमारे को भाईजान नज़र आ रहे हैं। तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं, कुर्सी पर बैठे हुए हैं। हमारे साथ ताऊ जी हैं, वरिष्ठ नागरिक हैं। इनसे पूरी चुनावी पड़ताल करना चाहेंगे कि आखिर झोर नाली गांव का माहौल क्या है। जी पता लग गया होगा, अभी 1 तारीख को चुनाव है ताऊ जी। अच्छा जी। हाँ जी लाग गयो बेरो? हाँ लग गया ये पहले ही। तो यो तो बेरो लाग गयो, फिर आ गए चुनाव को के लग गया है भी अड़ू कुंड सीट कल सी ये नहीं जी अपन पता जिदा मुकद्दर है वही करूँगा एवं हम झूठी करिए फायदा की है वोट क्या बात है भाई संदूकड़ी ची पावे वोट बोझे तो पाते को नहीं सरकार फिर भी किसकी बनती दिखाई दे रही है भाजपा ये परमात्मा नु पता है सरकार की दी बनेगी। हाँ की पता पाने वाले भाई वाला जो वोट डालते हैं वो युद्ध उन्हीं वो ही तय करते हैं जी। ताऊ जी हैं और हमारे साथ एक और ताऊ जी, क्या कहना चाहेंगे जी? चुनाव आ गया, केल लग गया था ना इस बार? ठीक हो लगा मन तो लगा वोट गिरना लगा वोट दें गिर। अच्छा वोट बस सीधी बात है, सीधी सी बात है। तो कोई बात निकल कर सामने नहीं आ रही है, यहाँ युवा साथियों से कुछ चर्चा हो जाए कि युवा साथी जो है कुछ ना कुछ जरूर बताना चाहेंगे। आपका वोट बन गया युवा भाई? वोट तो बन गया जी। वोट बन गया तो इस बार क्या मन लग रहा है, इस बार कौन सी सरकार बनने के चांस ज़्यादा लग रहे हैं? चांस तो जी अब की बार तो देखो बीजेपी बनेगी इस बार, फिर से तीसरी बार बीजेपी सरकार बनने के चांस तो है जी। हम तो बीजेपी की वोट आए। ठीक है जी बीजेपी तो बनेगी। तो आप तो युवा हैं, पढ़े लिखे हैं, इस बार रानिया से टिकट किसकी निकलने की उम्मीद है? रणजीत सिंह जी। रणजीत सिंह चौटाला? हाँ जी रणजीत सिंह चौटाला की टिकट निकलने का तो जी रणजीत सिंह चौटाला ही है जी। हमारा साथ भी दिया जी, काम भी करवावे और सब कुछ करवा। सूर्य प्रकाश जी है जी, सब मार्गना आवे भी है और हमारा ख्याल भी रखा जी।
जी बिल्कुल। रंजीत सिंह चौटाला है जो कि कह रहे हैं मेरे युवा साथी काम भी आते। मेरा नाम बलदेव सिंह है, गांव मेरा कुसर है जी। मैं अभी यहां पर आया था, सिरसा से आया था। मैं यहां पर रुक गया दो मिनट, चलो आपका दो सिस्टम देखा था, मैंने देख लिया। और सूर्य प्रकाश को हम वोट देंगे, रंजीत सिंह को देंगे, बीजेपी को वोट देंगे जी। भैया ये और युवा साथी भी हैं, इन युवा साथियों से और चर्चा हो जाए। गांव अपना जोड़नाली जी, तो क्या लगता है जी, जोड़नाली गांव बड़ा तय करता है, यहाँ के वोटर्स हैं बड़े साहब। आपा इतने ना सब नु देख लिया, 34 साल उम्र होगी, मैनु ऐ लगता सारी चोर है गए ने। ठीक है, इस बार कोई नया बदलाव होना चाहिए, बस नया चेहरा आना चाहिए, नया चेहरा पार्टी के तौर पर आना चाहिए, या चेहरा आना चाहिए आम आदमी पार्टी को एक बार परखना चाहिए। आम आदमी पार्टी को एक मौका जरूर मिलना चाहिए बस। और हैप्पी मैक्स हुआ वाला में से कौन सा अच्छा लगता है जी? इन आम आदमी में जो कोई मर्जी हो जाए, दोनों में, दोनों युवा साथी हैं, दोनों में से हैप्पी आए मैक्स आए, दोनों बढ़िया बंदे हैं, लेकिन आना चाहिए आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी को नया चेहरा आना चाहिए। और आम आदमी पार्टी बिल्कुल नई मैदान में इस बार यहाँ है, रानिया विधानसभा सीट से। भाई साहब है, देखिए गोलगप्पे खा रहे हैं, गोलगप्पे का पूरा आनंद लेने से पहले एक बात तो जरूर पूछेंगे, क्या लगता है इस बार क्या मन बनाया है? गोलगप्पे खाने में जी, उसके बाद बता देते हैं आपको। सोच लें जरा। सरपंच साहब है, पता भी लगा है भाई, मौके के सरपंच हैं। और भाई जी से चर्चा कर लेते हैं, क्या कहेंगे जी, क्या लगता है यहाँ इस बार किसका सीटी स्कैन होगा? सीटी स्कैन मतलब सीटी स्कैन जिस तरीके से बीजेपी जाएगी, बीजेपी और बीजेपी अगर नया उम्मीदवार खड़ा करती है रंजीत सिंह चौटाला के अलावा तो आप तो बीजेपी की सपोर्ट में ही है, बीजेपी को वोट डाले हैं किसी को भाई, चाहे कैंडिडेट कोई भी आए सिर्फ वोट बीजेपी को डालेंगे भाई साहब। और आप हमारे साथ युवा साथियों से हमारी चर्चा हो गई थी, बीड़ी के चस्के लेते हुए हमारे को भाई साहब दिखाई दे रहे हैं, इनसे और थोड़ी चर्चा हो जाए, क्या कहेंगे जी इसी गांव से? हाँ जी बोलो, के कहना चाहो, चुनाव आ गया सर पर, के लग गया इस बार, जो आएगी ठीक आएगी सरकार।